स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्या हुआ कि हमने डेरिवेटिव डेरिवेशन करनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास बोथ साइड डेरिवेशन होगी डी बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। जीरो का भी लेंगे डेरिवेटिव, तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आएगा हमारे पास 3, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 4 और y के साथ आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 7 का डेरिवेटिव होता है 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हमने 4 को दोनों तरफ डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमने 4 बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने डिफरेंशिएट लिया। अब इसी तरह से हमने एक और फंक्शन भी यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, उसी तरह से दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी यहाँ पे चूंकि एक्स और वाई इकट्ठे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस 2y। यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा 2y और फिर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव जब दोबारा वाई का लेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, तो इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स और इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं साथ, तो माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इस वाई को दूसरी साइड पर जब लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख देता हूँ कॉमन, आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस वाई। अब हमने इस एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस 2y। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है फाइनल।